बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा गाना खत्म हुआ। सो हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं मून क्राफ्ट में हूँ और आज हमें कुछ टास्क करने हैं। तो आपके ऊपर ये टास्क देख सकते हो, मैंने लिस्ट बना रखी है पहले से ही। तो पहला हमें गिफ्ट देना है, दूसरा हमें लूट शो करना है और तीसरा है जो मुझे अपना सेकंड आइलैंड दिखाना है। सो मैं सबसे पहले अपना ये फिशिंग फार्म दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें मेरा लूट आया है थोड़ा सा। और मैं इसमें दिखा देता हूँ मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। बेसिकली मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, लेकिन इसको तोड़ कर, इसको तोड़ने के बाद मैं फिर से इसको लगा के ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से मैं फिशिंग करने लगता हूँ, जो मैं ऑटो क्लिकर यूज करता हूँ फिशिंग के लिए क्योंकि वो आसान होता है और यफ्के के लिए वो बहुत अच्छा भी होता है। और अगर आप भी यूज़ करते हो ऑटो क्लिकर तो आपको भी अच्छे अच्छे लूट्स मिल सकते हैं। तो मैं अपना लूट दिखा देता हूँ सबसे पहले फिशिंग फार्म से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिशिंग फार्म किया था। मैं जब भी ऑफलाइन जाता था तो मैं इसको यफ्के पे लगा के मोबाइल चार्ज में लगा देता था, जिससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता था और यफ्के भी हो जाता था। और ऑटो क्लिकर इसमें बहुत हेल्प दी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे बुक्स और सेडल्स हैं जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। और ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी एक चेस्ट है, हॉपर है, उन सब में है क्योंकि मैं इसको पूरा भर दूंगा। बहुत ज़्यादा मैं फिशिंग करूँगा, मेरे पास फिश भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इसकी वजह से। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे मैं बुक्स भी इसमें डालता रहूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा फिशिंग करूँगा तभी ज़्यादा अच्छे अच्छे बुक्स मिलेंगी, ना कि एक दो फिशिंग करने से। इसीलिए मेरे पास अभी बहुत ही अच्छा अच्छा मेरा फिशिंग रॉड है, तो उससे मैं करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी है अभी बुक्स, और इसमें देखता हूँ ये इसमें नहीं है, तो मतलब इतना ही बुक्स है और आगे मैं इसको भर दूँगा बाद में। तो आगे देखता हूँ मैं, आगे मैं आपको अपना एंड वाला लूट दिखाता हूँ। मतलब जब मैं एंड बस्टिंग करने गया था तो मुझे क्या क्या मिला था वो मैं आपको दिखाता हूँ, सारा मैं दिखाऊँगा क्योंकि जो भी मुझे मिला था मुझे दिखाना है और मैं दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे छुपा के रखा था। क्यों छुपा के रखा था? इसलिए ताकि कोई ले ना जाए, क्योंकि कोई भी ले जा सकता है अगर किसी को भी इतने अच्छे अच्छे लूट्स मिले तो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं छुपा के रखा था। तो मैं सबसे पहले आपको लूट्स दिखाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे लाइट्रा वाला है, मतलब इसमें 8 ही लाइट्रा है। दरअसल मुझे 8 ही लाइट्रा मिले थे, वैसे NCT बहुत सारा मिला था लेकिन उसमें 8 ही लाइट्रा थे, तो इसलिए मैंने यही लिया। और यहाँ पे सॉवेल है, यहाँ पे बहुत सारे एन्चेंटमेंट्स वाली सामान है और यहाँ पे हेल्थ वाली जो पोशन आती है वो भी है, जो वहाँ पे मिली थी मुझे। और यहाँ पे डायमंड बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब 2 स्टैक के ऊपर है, 2 स्टैक और 13 मेरे पास डायमंड है फिलहाल। और आगे भी आते रहेंगे डायमंड, मैं माइन करूँगा आगे तो आगे भी आएंगे। ऐसा नहीं है मेरे पास इतने डायमंड आ गए तो मैं माइन नहीं करूँगा। और यहाँ पे ड्रैगन का हेड भी है और कुछ तलवारें हैं, डायमंड है और ये सेडल भी है, सॉवेल भी है, बहुत सारा चीज़ है, मतलब अनलिमिटेड चीज़ है मेरे पास अभी। अभी मैं शायद सबसे अमीर बनता हूँ। इसमें मेंडिंग लगी हुई है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसे मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ मेंडिंग के लिए, क्योंकि अगर इसे मैं कोयल को माइंड करूँगा तो मुझे अच्छे खासे मेंडिंग मिल जाएंगे। मतलब कोयल माइंड भी करूँगा उससे XP मिलेंगे जो इसमें आएंगी। और यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो इसके लेफ्ट साइड में ये देख सकते हुए जो सर्कल हेड्स भी मेरे पास है, और गोल्ड भी है, डायमंड का हॉर्स आर्मर भी है, और यहाँ पे भी कुछ हॉर्स आर्मर और सेडल है। पर जो मेरे पास बहुत सारे सेडल है जो मैंने अंदर रख रखा है, जो फिशिंग फार्म में आपने देखा अभी। और यहाँ पे कुछ हेड्स है और ये कुछ चेस्ट प्लेट्स है। तो अभी मुझे अब दूसरा टास्क कंप्लीट करने का है, जो है गिफ्ट वाला। मतलब सबको हम नहीं देंगे गिफ्ट, सिर्फ 2 बंदों को देंगे जो हमारे कॉर्पोरेशन में है, जिसका नाम है हीरो और दूसरों का नाम है फैब, ब्लैक फैब। तो ऐसा मैं ब्लैक फैब बोलता हूँ, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, शायद ब्लैक फैबुलस ऐसा कुछ नाम है। तो हम उस 2 बंदों को देंगे। तो अभी मुझे, मेरे पास अभी वुड ख़त्म हो गई थी, तो इससे मैं वुड खोज रहा था और मैं वुड काटा, इसलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और इसमें मैं बना लेता हूँ जो भी चेस्ट बनाना है, क्योंकि चेस्ट बनाने के बाद मुझे उसका सर्कल बनाना है, जो थोड़ा आसान होगा मे भी, देखते हैं। क्योंकि मैं पहली बार सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले भी बना चुका हूँ तो मुझे पता है कि आसान नहीं होगा। वैसे सर्कल वाला मेरे को बहुत मिला था, लेकिन मैं इतना ही लिया क्योंकि मेरे को पंगा नहीं लेना था।
लास्ट में पंगा ले रहा था इसलिए तो मैं मर गया, इसलिए मतलब अब पंगा नहीं लूँगा जब भी जाऊँगा। तो तुम, मैं इससे चार बना लेता हूँ और फिर मैं इसको कलर कर देता हूँ। दो को कलर करूँगा क्योंकि दो ही देना है, तो मुझे डाई खोजनी होगी। सर मेरे पास डाई पड़ी भी हुई है बहुत पहले से, देखते हैं अगर डाई पड़ी हुई है तो उसी का यूज़ कर लेंगे। एक रेड डाई है मेरे पास और एक येलो मिल जाएगी तो अच्छी बात हो जाएगी। इसमें कहीं पे येलो है? नहीं इसमें नहीं है, इसमें होगी शायद, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ओके इसमें है ये वाली, तो एक में ले लेता हूँ, तीन है शायद सर इसमें, तो एक ले लेता हूँ और इसमें इसमें क्राफ्ट कर लेता हूँ। दो में बनाऊँगा क्योंकि एक फैब के लिए और एक हीरो के लिए। ओके तो मैंने क्राफ्ट कर लिया, अब इसमें सामान रखेंगे एक एक करके क्योंकि दोनों का बराबर सामान होना चाहिए, नहीं तो दोनों झगड़ने लगेंगे आपस में। बाय द वे दोनों लोगों को मैं एक एक क्लियर तो पक्का दूंगा। और मैं आगे रख देता हूँ, एक मिनट में कहाँ, यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। और एक एक करके सामान अभी करेंगे, रखेंगे सामान सब। एक काम करता हूँ मैं, जब सामान रखना होगा ना तो इसमें थोड़े 20-20 शक्कर का जो सेल्स होता है वो रख लेता हूँ। 20-20 मैं ज़्यादा भी नहीं रखूँगा क्योंकि ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे आगे, और अगर कम होगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो इससे 10-10 सर्कल बॉक्स बना सकते हैं जो बहुत काफ़ी होता है सीरियसली। और इसमें से मैं कुछ एक काम करता हूँ, हॉर्स आर्मर रख देता हूँ दो। ओके एक और दो सैडल्स रख देता हूँ, ठीक है एक एक, मतलब एक हॉर्स आर्मर एक सैडल्स, ठीक है। तो एक काम करता हूँ अभी हॉर्स आर्मर ही रखता हूँ, उसके बाद सैडल रखता हूँ मैं। सो मैं जब गिफ्ट सेलेक्ट कर रहा था तो उसको मैंने जो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था और मेरे पास इतने टाइम नहीं थे कि मैं कर सकूं, और इससे बड़ी वीडियो भी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मैं वहाँ पर सॉन्ग लगा दूँगा तो आप अच्छे से सुन भी पाओगे उससे। और मैं काम करते हुए दो मेरे पास है तो इसको मैं लेके एंड मतलब शॉप एरिया पे चलता हूँ क्योंकि दोनों का दुकान वहीं पे है, तो मैं वहीं पे दे दूँगा दोनों को। और यहाँ पे बोर्ड भी रख लेता हूँ, इस बैम्बू दे देता हूँ इसको, और फिर मैं शॉप एरिया पे आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस सो मैं शॉप एरिया पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मैं शॉप एरिया पे आ चुका हूँ। मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मेरे पास, और मैं इसको सबको दे दूँगा, दो आदमी को देना, एक हीरो को और एक फैब को, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और इसमें नाम लिख दूंगा मैं ऊपर किसको दे रहा हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं शायद फैब्रिक लिख देता हूँ, एक मिनट में लिख देता हूँ। ओके मैंने लिख दिया गिफ्ट फॉर हीरो, ये हीरो का गिफ्ट है। और यहाँ पर गिफ्ट देख सकते हो आप लोग क्या क्या मैंने दिया इसको। और दूसरा गिफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा क्या गिफ्ट है। दूसरा जो है वो फैब का है जो मैं लेफ़्ट साइड में लगा देता हूँ क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों जगह होगी तो अच्छी बात होगी। और एक गिफ्ट है फैब का जो हमारा कॉपरेशन में ही है, और इसके भी कुछ गिफ्ट सेम है और कुछ अलग अलग है। मेरे पास कुछ थे नहीं इसलिए अलग अलग किए। और अब चलता हूँ मैं अपने दूसरे आइलैंड पे जो मुझे आपको दिखाना है क्या क्या मैंने वहाँ पर किया है। और अभी इसका फास्ट फॉरवर्ड इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे जाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया।
सो गाइस मैं अपने सेकेंड एरिया पे तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लेग करेगा गेम, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बंद कर देते शुगर कैन फार्म को और देखते हैं कितना हुआ है। आई थिंक मेरा एक चेस पूरा हो चुका होगा। तो ये मेरा बॉनविल फार्म है। सो मैं आगे का इसको चालू करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बंद पर है, और नीचे कुछ बॉनविल है मैं दिखा देता हूँ। तो इतनी बॉनविल है मेरे पास अभी बंद पर है, तो इसको मैं बाद में चालू करूँगा। और यहाँ पे शुगर केन फार्म है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बंद नहीं पड़ा है, मैंने बंद किया है थोड़े देर के लिए, बाद में मैं इसे चालू कर दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे शुगर केन्स हैं मेरे पास। और अभी हम ऊपर भी है मेरे पास, हाँ ऊपर भी मैंने रखा था इसीलिए ऊपर है। और मैं काम करता हूँ, अभी अपना आउट्रो कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और आउट्रो अभी करते हैं शुरू, क्योंकि मेरी नई स्किन भी है जो भी आप देख पाओगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। और मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा।